हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वॉचिंग एक्सपर्ट गाय। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की टाइटल देखी, आज एक मतलब इस फ़ोन पे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मेरा आई गेस फर्स्ट काइंड ऑफ रिव्यू होगा, और ये फ़ोन मतलब काफ़ी अरसे से मैं इसे देख रहा था और मैं इसके ऊपर रिव्यू करना भी चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था। फिर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, मैंने कहा ज़रा देखूँ, थोड़ा टाइम लगाऊँ, उसके बाद फिर इसकी फुल इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो इसलिए है कि बिफ़ोर यू बाय सैमसंग गैलेक्सी S10, तो आप लोग ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी S10 लेना है या नहीं। और ये मतलब काफ़ी हद तक ये जब फ़ोन रिलीज़ हुआ, मतलब ये बहुत मतलब इनक्रेडिबल सैमसंग के फ़ोन जब ये लोग निकालते हैं, ये वैसे ही बहुत मतलब इनकी लुक्स और इनका सारा टच वगैरह बहुत अच्छा यूनिक किस्म का होता है। तो ये जब फ़ोन रिलीज़ हुआ तो ये वैसे ही मुझे तो मतलब वन ऑफ माई विश लिस्ट में आ गया था कि बाय करना ही करना है। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोगों को ज़रूर मतलब ये फ़ोन लें। आप लोगों को कुछ इसकी डिटेल भी बताता हूँ मैं। ये 5GB फीचर इसके अंदर है, मतलब 5GB कनेक्टिविटी। तो मतलब अब क्या है 5GB का? बेसिकली मैंने ये एक दो लोगों से भी पता किया है, ये असल में इतना इसका कनेक्शन फास्ट है कि अगर कोई 10 आवर्स की वीडियो होगी आप उसे 5-4 मिनट्स के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस पर प्रूफ हो भी चुका है, एक दो लोगों ने टेस्ट भी किया है, उनसे मेरी बात भी हुई है और उन्होंने कहा भी था। तो इसका ये फीचर एक बहुत अच्छा जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये सैमसंग गैलेक्सी S10 में आता है। उसके साथ साथ ये सैमसंग गैलेक्सी S10 6.7 इंचेस का है। इसके अलावा इसमें जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा इसकी 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है इसके अंदर, और इसमें 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है इसका। 4000 मेगावाट्स की बैटरी आपको इसमें मिलेगी देखने को, फिंगरप्रिंट सेंसर। और एक चीज़ जो सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस के अंदर आती है, जो इनका सबसे आई गेस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा इन्होंने ये फीचर डाला है, जो पीछे फ़ोन की सिक्योरिटी होती थी अब ये लोग उसे फ्रंट पे ले आए। और अब ज़्यादा आपको ऐसे रगड़ मारनी और ऐसे करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फ़ोनों में इसमें ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बस ग्लास को टच भी करेंगे, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा आपके टच से। तो ये इसकी बहुत अच्छा मतलब इसका बहुत स्मूथ टच है। जब मैंने इसका पढ़ा, रिव्यूज़ वगैरह देखे और लोगों से भी पूछा जिनके पास था ये, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब स्मूथ टच है सैमसंग गैलेक्सी S10 का और S10 प्लस का। आप दोनों में से कोई भी वर्जन ले सकते हैं, ये अवेलेबल हैं मार्केट में, पाकिस्तान, इंडिया और हर जगह पे अवेलेबल हैं। यहाँ पाकिस्तान में इसकी प्राइस लगभग 2 लाख के करीब है, इंडिया का मुझे कंफर्म नहीं है इसकी मतलब इतनी प्राइस यहाँ पे हमारे कंट्री में तो इतनी प्राइस है बेसिकली। तो इसके अलावा इसमें इसकी चार्जिंग एक और इसका प्लस फीचर है, इसमें चार्जिंग बहुत जल्दी होती है और आपकी बैटरी भी मतलब इतनी जल्दी डाई नहीं होगी। इसका ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगर आप लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने हो तो आप फुल चार्ज कर लो तो बैटरी ज़्यादातर फ़ोन की डेथ हो जाती है। तो इस फ़ोन का ये प्लस फीचर है कि इसमें बैटरी भी बहुत देर तक चलती है। तो इसमें एक और चीज़, इसका जो कैमरा है वो वाइड पिक्चर्स भी ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो अल्ट्रा वाइड किस्म की पिक्चर्स दूर से मतलब काफ़ी HD क्वालिटी के अंदर पिक्चर्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये आई गेस इट्स ऑल अबाउट सैमसंग। आप बहुत सारे लोग जो एप्पल है उससे ज़्यादातर सैमसंग का फ़ोन बाय कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा अब कि एप्पल मतलब बुरा है, लेकिन फिर भी सैमसंग का ये जो इन्होंने फ़ोन निकाला ये काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छा स्मूथ फ़ोन इन्होंने निकाला है। तो अगर आप बाय करना चाहें तो आप लोग लाजमी सैमसंग का S10 बाय करें, मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों को और न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी जल्दी पहुंचाएं, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस मिल सकें, और लाइक करें वीडियो को। लेट्स ट्राई टू रीच पॉसिबल ऑफ 15 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, व्हाई नॉट। और कमेंट करें अगर आप लोग और मुझे रिव्यूज़ का किस चीज़ पे मैं रिव्यूज़ करूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।